हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैब, जिसके अंदर हम कर रहे हैं फटाफट रीकैप सीरीज। और इसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि भाई इस चैप्टर का कोई भी हिस्सा डिलीटेड नहीं है मार्च 2023 के जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर हम बात करें। सो भाई यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा जाएगा, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन होगा इसमें अपन मिरर पढ़ेंगे, बेसिकली मिरर के बारे में, और रिफ्रैक्शन में लेंस और ग्लास स्लैब के को लेके हम इसको पढ़ेंगे। देन यू विल स्टडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा लेंस और मिरर का जो रे डायग्राम्स है वो हम देखेंगे, अलॉन्ग विथ यूजेस और साइन कन्वेंशन के साथ साथ फॉर्मूला को भी देखा जाएगा। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? भाई कब से पढ़ते आ रहे हो तुम? मेरे ख्याल से 10 से पहले भी दो बार तो पढ़ाई है इसको। रिफ्लेक्शन इज सिंपली द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन पॉलिश सरफेस। तो बेसिकली लाइट जो है, जब हम पॉलिश सरफेस पे या मिरर पे मान लो फॉल करा रहे हैं, तो वो बाउंस बैक करता है। जो लाइट गई वो इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके आई वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है सरफेस पे, उस नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसका जो लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर जो दिया है, देखो सेकंड पॉइंट में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे जिस भी तरह का सरफेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दे आर ऑलवेज इन अपोजिट साइड, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा अपोजिट साइड में होता है नॉर्मल के हिसाब से। एंड इसके अलावा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां पर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन ये है द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड करता है। देखो यहां से लाइट आया इंसिडेंट रे और ये बेंड कर रहा है, सो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और दिस इज इंसिडेंट रे, एंड ऑफकोर्स ये जो बेंड हो रहा है ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दिस इज कॉल्ड आई, ठीक है, ये आई से रिप्रेजेंट होता है, और ये इसको भी हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है दो मीडियम के बीच में, जो ये सेपरेशन है, दैट इज इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस कहलाता है, ओके। अब यहां पर ध्यान देना कि भाई रिफ्रैक्शन का भी अपना लॉ है जो अपने को देखना है, ठीक है। जो कॉमन लॉ है वो तो यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑलवेज दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो जैसे वहां पर था रिफ्लेक्टेड रे था, यहां पर रिफ्रैक्टेड रे है, ये तो सेम ही है। जो पहला लॉ है, जैसे वहां पर आई इक्वल टू आर था रिफ्लेक्शन में, यहां पर आई इक्वल टू आर नहीं है, यहां पर रिलेशन है आई और आर का, लेकिन क्या है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ भी कह सकते हो आप। स्नेल्स लॉ इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री, आपने पढ़ाई है, ठीक है, मैथ में। तो द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मान लो तुम एयर टू ग्लास की बात कर रहे हो, तो एयर टू ग्लास में हमेशा याद रखो, तुम चाहे जितना भी आई की वैल्यू चेंज करो, उसके रिस्पेक्टिवली आर की वैल्यू भी चेंज होगी, पर हर कॉम्बिनेशन में, हर आई और आर की कॉम्बिनेशन में, वॉट यू विल फाइंड इज कि हमेशा साइन आई बाई साइन आर वो कॉन्स्टेंट ही मिल रहा है। एज मतलब ये कब तक रहेगा? जब तक कि तुम्हारा एयर टू ग्लास में तुम लाइट को सेंड कर रहे हो। सो फॉर दिस गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन आई बाई साइन आर विल बी कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी कॉन्स्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ द सेकेंड मीडियम, जिसके अंदर लाइट एंट्री मार रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे यहां पर जब तुम निकालोगे साइन आई बाई साइन आर, जब यहां पर कर रहे होगे, तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। सर अगर फर्स्ट मीडियम कुछ लिया ही नहीं हमने तो क्या होगा? वैक्यूम रखा तो क्या होगा? तो ऐसे में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो रिलेटिव नहीं होगा, ऐसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो जब मान लो कि नीचे ग्लास है ऊपर वैक्यूम है, तो तुम जब निकालोगे साइनर बाय साइनर,
तो इट विल बी गिविंग यू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहां पर क्या हो रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है पर एयर के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, सो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक आपको फॉर्मुला मिल गया साइन आई बाय साइन आर। इसका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि अगर मान लो आपको ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और एयर का भी पता है तो आप ये इसका वैल्यू निकाल सकते हो। सो इट इज सिंपली N21 है ना, तो N2 by N1 भी करोगे, जैसे मान लो एयर टू ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर करोगे तो इट विल बी गिविंग यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसके साथ साथ अगर तुमको स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम पता है, मान लो C1 है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम पता है C2, तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैन ऑल्सो बी गिवन बाई C1 upon C2। तो देखो हमने खड़े खड़े यहां पर तीन फॉर्मुलाज पढ़ लिए, एक है साइन आई बाय साइन आर बाय स्नेल्स लॉ, इट इज ऑल्सो गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इससे भी तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मुला है N2 by N1। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ C1 by C2 ये स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में है, N2 by N1 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। ठीक है, अगर मान लो कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पता है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास और आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो कैसे निकालोगे, दिस विल बी सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ N12। अगर N21 निकालना है तो 1 by N12 कर लो आ जाएगा। मतलब अगर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पता है, सपोज दैट इज 2 by 3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, उल्टा कर दो 3 by 2, दैट सिंपल। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड लॉ तो वही है, सेम ही है, सेम प्लेन वाला। ठीक है, तो दिस इज योर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मूविंग अहेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमने फॉर्मुला है ऑलरेडी देख लिया कि भाई इट कैन ऑल्सो बी गिवन बाई वॉट N2 by N1, इट कैन ऑल्सो बी गिवन बाई C1 by C2, इट कैन ऑल्सो बी गिवन बाई 1 by N12, राइट। एक और फॉर्मुला होता है वैसे, कि अगर मान लो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ तीन मीडियम दिए हुए हैं, मान लो एयर ग्लास, एयर दिया है, ग्लास दिया है, डायमंड दिया, ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है 1 3 इज इक्वल टू N12 into N23। तुम बोलोगे सर इसमें कैसे ध्यान रखें, तो जैसे मान लो कि तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एयर दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ एयर दिया हुआ है और तुमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ डायमंड, तो कैसे निकालोगे, याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ डायमंड निकालना है तो सिंपल है, इसको N into N लिख दो पहले, ठीक है, और चार पोजिशंस यहाँ खाली रखो। ठीक है, सबसे पहले वाला यहाँ पहले लिख दो, जो दूसरा वाला है उसको आखिरी में लिख दो, और बीच में जो कॉमन इंटरमीडिएट मीडियम है एयर है ना कॉमन, तो यहाँ पर एयर लिख दिया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद डायमंड कैन बी ऑब्टेन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद डायमंड, ऐसे लिखना है। ओके, सो दिस इज अनदर फॉर्मूला जो काम आ जाएगा। नाउ व्हाट डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट, एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक है, व्हेन वी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, When we see refractive index of diamond is 2.42, ठीक है, सबसे कम refractive index होता है vacuum का, refractive index of vacuum is 1, सबसे minimum यही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये vacuum का है, ठीक है, यहां पर this is, इन सब में सबसे ज्यादा optical density ये carry कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो आप optical density बढ़ती जा रही है, तो आप याद रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपैरिजन में ग्लास का ज्यादा है तो इसका मतलब यू कैन से दैट दिस इज डेंसर मीडियम एंड वाटर विल बी रेयर मीडियम। ठीक है, जब भी आपको दो मीडियम दिए हैं तो देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर मीडियम, दैट्स इट। ठीक है, तो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये याद रखना कि वहां पर लाइट ज्यादा बेंड करेगी, मोर बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, रे और बीम में क्या फर्क है, एक सिंगल लाइट रहेगी तो उसको रे कहते हैं
और बंच ऑफ रे रहेगा तो उसको बीम कहते हैं, राइट। जैसे मान लो कि अगर हम एयर टू वाटर की बात करते हैं, एयर टू ग्लास की बात करते हैं, एयर टू डायमंड की बात करते हैं, तो यहां पर जब लाइट जा रही है, ठीक है, तो यहां पर देखो कि थोड़ा सा बेंडिंग हुआ, इसमें देखो थोड़ा ज्यादा बेंडिंग हुआ, और इसमें तो हद से ही ज्यादा बेंडिंग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया जितना ज्यादा डेंसर मीडियम रहेगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होने वाली है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, जितनी डेंसर मीडियम उतनी ज्यादा बेंडिंग। सो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब मोर बेंडिंग ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, राइट। और एक और बात याद रखो कि इन सब के साथ एक और चीज रिलेशन तुमको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है कि जिस मीडियम, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर है, जितनी ज्यादा उसमें भीड़ है, उतना लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इसका मतलब क्या है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होने वाली है, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम रहेगी। सो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मोर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, उसका मतलब मोर बेंडिंग ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी लेस। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी सर, वैक्यूम में, ऑफकोर्स, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर ग्लास स्लैब में दिस इज द इंसिडेंट रे कहते हैं हम, लाइट यहाँ पर बेंड कर रहा है एक बार, बिकॉज यहाँ एयर टू ग्लास में एंट्री मार रहा है, सो वन एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, सो दिस इज इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे। और लाइट जब वापस दूसरी बार जब ग्लास टू एयर फिर मीडियम, जब जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो लाइट बेंड होगा, है ना। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा बेंड करेगा, अदरवाइज वो सीधा ट्रेवल करता है, आपको ये पता है। तो यहाँ पर देखो एयर टू ग्लास में बेंड हुआ, ग्लास टू एयर में बेंड हुआ, ठीक है। और सो दिस जो लाइट एमर्ज कर रहा है उसको एमर्जेंट रे कहते हैं। एक और बात खासकर तुमने ध्यान से देखा होगा कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, मान लो ये नॉर्मल है इस जगह का, तो देखो नॉर्मल की साइड में, अदरवाइज ये सीधा जा रहा था, ये सीधा जा रहा था, देखो ये नॉर्मल की साइड में बेंड हुआ, ठीक है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम दिस, ये ग्लास टू एयर है ना, ये एयर टू ग्लास था, ये ग्लास टू एयर है, तो जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है लाइट तो क्या हो रहा है, इट इज बेंडिंग, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। सो याद रखना, रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस वर्ड को याद रखो, डर, डर होना जरूरी है, ठीक है। किसी ऐसे नहीं कि तुमको हर चीज से डरना है, पर डर होना जरूरी है, क्योंकि याद रखना जरूरी है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एमर्जेंट रे, ठीक है, और बाकी ये लॉजिक बता दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेरियस फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सो लेट्स मूव अहेड। और यहाँ पर यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ध्यान रख लो, ठीक है, हालांकि हम आगे रीडायग्राम देख लेंगे, पर हमेशा याद रखो कि कॉनकेव मिरर जो होता है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर गिव्स यू मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज, एनलार्ज इमेज, मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज इमेज देता है, थोड़ा जूम करके इमेज देता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर की खासियत है। पर याद रखना कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये कभी भी तुमको मैग्नीफाइड इमेज नहीं देता, ये हमेशा डिमिनिश इमेज देगा, क्योंकि इसको वाइड व्यू देनी है। सो दिस नॉर्मली गिव्स यू, देखो डिमिनिश इमेज यहां पर भी होता है एक पर्टिकुलर केस में, पर ये कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं देता, ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देता है, ठीक है। तो तुमको कोई न्यूमेरिकल में अगर आया भी कि भाई कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपको पहले से अज्यूम कर लेना कॉन्वेक्स मतलब डिमिनिश्ड इमेज ही यहां पर होगा, इट कैन नॉट गिव एनलार्ज इमेज, ठीक है। ये क्यों यूज होता है, ज्यादा वाइड रेंज का व्यू देना है, गाड़ी के पीछे पूरा रोड दिखाना है, तो साइड मिरर जो है वो रेयर व्यू मिरर जो है वो अपना क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। कहीं पे टॉर्च या टॉर्च नहीं, जहां पे तुमको लाइट को स्प्रेड कराना है, ठीक है, तो स्प्रेड कराना है, सर्च लाइट बनानी है, तो बल्ब के पीछे क्या रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि वो लाइट को वाइड व्यू में फेंके, ठीक है। जो कॉनकेव होता है वो क्या करता है, वो जूम करके किसी एक पर्टिकुलर एरिया का ज्यादा क्लोज इमेज तुमको दिखाता है। तो जब शेविंग कर रहे हैं, डेंटिस्ट का जो मिरर है वो सब कौन सा होगा, इट विल बी अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो एनलार्ज इमेज देगा, हम क्लोजली चीजों को देख पाएंगे, राइट, ठीक है। इसके अलावा जो स्पॉट लाइट्स होती है, या जो जिसमें लाइट सीधी थ्रो करनी है, तो देयर कॉनकेव मिरर यूज होता है। सर्च जहां पे पूरा वाइड व्यू देना है, तो ऐसे केस में
बल्ब के पीछे कौन सा मिरर होता है, तो दैट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, याद रखना जूम्ड या मैग्निफाइड चीजें देखनी है तो इट इज कॉनकेव मिरर, और वाइड व्यू चाहिए, पूरे रोड का पीछे का व्यू चाहिए तो इट विल बी, तो लॉजिक सिंपल है भाई, क्यों, अगर ये मान लो डिमिनिश नहीं करेगा इमेज को तो ज्यादा रेंज कैसे दिखा पाएगा, तो रेंज ज्यादा दिखा पा रहा है क्योंकि हर चीज को छोटा छोटा दिखा रहा है, राइट। सो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं यहाँ पर, अब हम बेसिकली कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर लेंस का लॉजिक समझ ले कि बेसिकली जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो उसमें पीछे से कोटिंग होती है, वो सिल्वर टाइप की कोटिंग, ताकि हम आगे से सामने ये उभरे हुए साइड से हम रिफ्लेक्शन कर पाए। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव में क्या होता है, ग्लास के जो उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है, वो हिस्से पे कोटिंग होती है, अंदर का हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। सो बेसिकली दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी कुछ ऐसे, एंड सॉरी कॉन्केव मिरर, एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, लाइट यहां से उभरे हुए हिस्से से रिफ्लेक्ट करेगी। एक चम्मच का अंदर का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा इज एक्टिंग एज अ कॉन्केव मिरर, और बाहर का हिस्सा इज एक्टिंग एज अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ऐसे ही लेंस में जब दोनों साइड कॉन्केव होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस। इनफैक्ट दिस इज डबल कॉन्केव लेंस, पर टेंथ में इसी को हम कॉन्केव लेंस बोलेंगे। और दोनों साइड से जब वो कॉन्वेक्स होता है, उभरा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब याद रखना कि जो तुम्हारे 6 केसेस होंगे, 6 रे डायग्राम्स होंगे, तो जो डाइवर्जिंग वाला है, जो सी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये भी स्प्रेड आउट करा रहा है ना, कॉन्केव लेंस, और मिरर में कौन है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं, दे डाइवर्ज दी लाइट। ठीक है, दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर या फिर डाइवर्जिंग लेंस। सो विच मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स। विच लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, कॉन्केव के जो रे डायग्राम्स होंगे, इनके रे डायग्राम्स में 2 ही केसेस होते हैं, तो इसके 2 केस होंगे और इसका भी 2 केस आएगा रे डायग्राम में, देख लेना। ठीक है, और वैसे ही कॉन्केव वाले में, लेंस में कॉन्केव कौन है, सॉरी कॉन्वर्जिंग कौन है, लेंस में कॉन्वर्जिंग कौन है, कॉन्वेक्स लेंस, और मिरर में कॉन्वर्जिंग कौन है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, इनके 6 केसेस होंगे रे डायग्राम में, हम यहां पर भी देखेंगे 6 केस, इसके भी 6 केस। सो सिमिलर टू कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस काम करता है, राइट। मूविंग अहेड, यहां पर टाइप्स ऑफ रेज की बात करते हैं, तो भाई साहब आपको जब रे डायग्राम बनाओगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपको रेज जो है वो प्रॉपरली बनाने आ रहे हैं। सो बेसिकली अगर ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, इसका कर्वेचर का जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल बीम यहीं पर है ना कॉन्वर्ज करती है, कॉन्वर्जिंग यहीं पर होता है, कन्वर्जेंस। और बेसिकली जब इंपॉर्टेंट रेज की बात करें, तो अगर कोई पैरेलल रे रहेगा तो फोकस से पास होगा, ऑल राइट। अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रहा है तो पैरेलल निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर कोई रे पास करेंगे तो वो नॉर्मल वाली ही एक्सिस हो गई, तो बाउंस बैक करके उसी रास्ते वापस आएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेज याद रखने हैं। ऐसे ही जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी भाई साहब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस राइट साइड में होगा, ओके, और उसमें भी पैरेलल रे क्या होगा, डाइवर्जेंस दिखता है, तो यहाँ पर डाइवर्ज होने वाला है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, और अगर तुम फोकस की तरफ थ्रो कर रहे हो किसी लाइट को तो भाई वो पैरेलल निकलेगा, राइट। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ थ्रो किया जा रहा है लाइट को, अगर इस लाइन की तरफ थ्रो किया जा रहा है, तो बेसिकली वो नॉर्मल वाली एक्सिस हो गई, बाउंस बैक करेगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो अगेन कन्वर्जिंग एक्शन का, तो याद ही रखो कि पैरेलल लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास होगी, राइट। इसके अलावा अगर हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी लाइट आएगी तो सीधे ही पास होगी, राइट। और अगर फोकस के तरफ से कोई लाइट आ रही है तो पैरेलल निकलेगी, राइट। अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो वहां भी वही है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से लाइट जा रही तो सीधे ही पास होगी, सेम ही रहता है ये वाला, ठीक है। बाकी पैरेलल बीम जो है वो रिफ्लेक्ट आउट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट आउट होगी, डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जिंग है, राइट। और इसके अलावा
बाकी फोकस वाला जो है, फोकस की तरफ से अगर लाइट जा रही है तो सीधे निकलेगी, राइट। नहीं नहीं ये वाला नहीं होगा इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेज है जो आप ध्यान रखो, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मूविंग अहेड, रे डायग्राम में भी और काम आने वाला है। नेचर ऑफ इमेज, भाई दो टाइप के नेचर होते हैं, एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड और एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो याद रखना कि जो रियल इन्वर्टेड इमेज है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे देखा जा सकता है। तो कोई भी चीज बोलेगी भाई इससे जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है, जो सिनेमाघरों में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज है, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। और जो वर्चुअल इमेज होता है दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किए जा सकते वर्चुअल इमेजेस, क्योंकि यहां पर रियल मीटिंग ऑफ रेज होती है। रेज जो है रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करने के बाद एक्चुअली मीट कर रहे होते हैं, एक्चुअल मीटिंग होती है। यहाँ पर एक्चुअल मीटिंग नहीं होती, यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ये कॉन्केव लेंस लिया, मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे कुछ स्प्रेड आउट हो रहा है, राइट। ये एक रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड ये हो गया और दूसरा रिफ्रैक्टेड ये हो गया, दो रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो कहाँ पर मिल रहे हैं, आगे तो ये डाइवर्ज आउट कर रहे हैं, पीछे की तरफ ये कुछ यहाँ मिल रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में मीट नहीं किया, एक्चुअल में वो अपार्ट जा रहे हैं, तो दैट इज वर्चुअल मीटिंग। सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब देखो सीधा ऊपर की तरफ ही बन रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट था ऊपर वैसे ही अपसाइड यहाँ पर इमेज भी बना है। अगर हम बात करें रियल इमेज का, अगर मैं ड्रॉइंग बनाऊँ तो जैसे आप देख सकते हो कि मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस हमने रखा है यहाँ पर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑब्जेक्ट मान लो ए बी, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास हो रहा है, राइट। और ये ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो जहां पर ये मीट करेंगे देखो एक्चुअल मीटिंग हो रही है, इन्वर्टेड इमेज बना, सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है। ये हमेशा स्क्रीन रखोगे स्क्रीन पे दिखेगा, बट दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज होता है, वी कैन सी अहेड, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जस्ट सी दिस कि ये ऑब्जेक्ट है देखो नॉर्मल सीधे लाइट गया, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड एक रिफ्लेक्टेड ये हो गया, दूसरा ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, सो वन रिफ्लेक्टेड रे अनदर रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रहा है, वहां पर इमेज बना है ए डैश बी डैश। सो दिस इज अगेन वर्चुअल इमेज है जो फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। और यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होता है और ऑब्जेक्ट की साइज इमेज साइज हमेशा सेम रहती है प्लेन मिरर में। सो याद रखना प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज प्लस वन, वन का मतलब ही है भाई सेम साइज का इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम रहती है, और प्लस का मतलब है कि भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो मैग्निफिकेशन माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, प्लस मतलब वर्चुअल इरेक्ट, याद रखो, ठीक है। सो इसके अलावा प्लेन मिरर जो है उसमें लैटरल इन्वर्शन देखने को भी मिलता है, जैसे एम्बुलेंस यहाँ पर उल्टा क्यों लिखा रहता था कि आगे जो गाड़ी है, ठीक है, उसके मिरर में वो एम्बुलेंस सीधा दिखे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, दिस इज द खासियत ऑफ प्लेन मिरर। इसके बाद जो रे डायग्राम्स है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान में रखने हैं, छह केसेस, छह रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर, मैं यहां पर लिख देता हूं कौन सा मिरर है ये, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके छह केसेस यहां पर आप देख लो, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की पोजिशन कहाँ कहाँ पर है देखो, एट इंफिनिटी जब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, फिर बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा पहले, फिर एट सी, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, जस्ट चेक दैट, ठीक है, फिर एट एफ है एंड द लास्ट वन इज बिटवीन पी एंड एफ। तो तुम देख सकते हो जितना ऑब्जेक्ट को हम पास 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 ले जा रहे हैं उतना इमेज जो है वो दूर 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 भाग रहा है। सो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ था, फिर ऑब्जेक्ट पास में रखा तो इमेज जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ऑब्जेक्ट को सी पे लाया तो इमेज भी इधर होकर सी पे आ गया, फिर ऑब्जेक्ट को और अंदर ले जा रहे हैं इमेज बाहर जा रहा है, ठीक है। सो जस्ट दिस इज हैपनिंग, सो ऑब्जेक्ट को कॉनकेव से जितना पास ले जाओगे इमेज दूर जाएगा, और उसी का वाइस वर्सा, ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे इमेज पास जाएगा, राइट। सो जस्ट सी दिस, यहां पर ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट जब हम बियॉन्ड सी ले जा रहे हैं, इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज यहां बना है। ऑब्जेक्ट को जब सी पे रखा हमने, एग्जैक्टली सेम साइज का इमेज सी पे ही बना है, ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए तो देखो एक बड़ा इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, यानी कि एनलार्ज या मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुआ है। ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनने को तैयार है, काफी दूर बनेगा,
ठीक है। सो याद रखना, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। दिस इज वन अगेन लॉजिक, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को जो हम और पास लेके गए, यानी फोकस से भी अंदर लेके गए, तो देर देखो थोड़ा सेपरेट केस यहाँ लास्ट में बना है कि इधर आगे इमेज बन ही नहीं रहा, यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे की तरफ अपेरेंट इमेज। सो दिस इज वर्चुअल इमेज, बाकी सब रियल इमेजेस बन रहे हैं एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज से। सो ये पहले पांच केस में रियल इन्वर्टेड, और आखिरी केस में यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है। रे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी गाइस, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। सो इमेज का आपको पोजीशन पता होना चाहिए कहाँ पर बन रहा है, इमेज का साइजेस पता होना चाहिए, बहुत इजी है, ऐसे मुश्किल नहीं है। बच्चा पहले बहुत छोटा था, बच्चा कितना भी बड़ा हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इतना बड़ा हुआ तो भी डैडी से छोटा ही है, उसके बाद बच्चा जो है वो डैडी के जितना ही हो गया सेम साइज, उसके बाद वो थोड़ा सा और बड़ा आदमी बना, थोड़ा पैसा और ज़्यादा कमा लिया, उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना, फिर उसको लगा कि नहीं यार सबसे बड़ा बनने में कोई बराई नहीं है, हम रखेंगे अपने आप को मैनेज करने के हिसाब से। सो हाईली डिमिनिश, डिमिनिश, सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, अगेन एनलार्ज, ठीक है। शुरू के पांच रियल इन्वर्टेड, बाकी लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट। ऐसा ही सिनारियो आपको जो छह केसेस हम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ेंगे वो एग्जैक्टली ऐसे ही छह केसेस होंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर हमने देख लिया, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, जस्ट सी दिस, इसके दो ही केसेस है मैंने बताया था, ओके। एक है इन्फिनिटी का, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दूसरा है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी या फिर एनी अदर पोजिशन, है ना, इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी किसी पोजिशन के लिए। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, पहले वाले केस में एक हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कभी भी याद रखो, मिरर में बिहाइंड द मिरर बनाए इमेज तो वर्चुअल बनेगा, लेंस में हमेशा बिहाइंड जब बनेगा तो रियल बनता है, ये ध्यान रखो। लेंस में सेम साइड वर्चुअल बनता है, मिरर में अपोजिट साइड वर्चुअल बनता है, राइट। देखो ऑब्जेक्ट इधर है, जब पीछे बना मिरर की इमेज तो दैट इज वर्चुअल, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड यहाँ इमेज बना है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ है। दूसरे केस में भी देखो, ऑब्जेक्ट इज दिस, पैरेलल लाइट यहाँ से रिबाउंड करके जा रही है, दूसरा पी से हमने लाइट लिया है पोल की तरफ से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से के हिसाब से रिफ्लेक्ट हुआ है, और दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर वर्चुअल यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है। सो हाईली डिमिनिश्ड और यहाँ पर डिमिनिश इमेज, मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका दोनों केसेस है, दोनों केसेस में आपका क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। सो कॉन्वेक्स मिरर कैनॉट फॉर्म इमेज ऑन द स्क्रीन, कॉन्वेक्स मिरर स्क्रीन पे इमेज नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनता है और दोनों केस में डिमिनिश इमेज बनता है। तो याद रखो, वर्चुअल डिमिनिश इमेज, इफ अ मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल डिमिनिश इमेज, सो इट इज विच मिरर, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। इफ अ इमेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, इफ अ मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो इसका मतलब वो प्लेन मिरर भी हो सकता है, पर वर्चुअल डिमिनिश बोल दिया तो इट हैज टू बी व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये वैसे ही छह केसेस है जैसे कॉनकेव मिरर में था। सो कन्वर्जिंग वाले का छह केस होता है, डाइवर्जिंग वाले का दो केस होता है। यहां पर भी ये देखने को मिलता है कि जितना तुम ऑब्जेक्ट को पास ले जा रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ले जा रहे हो वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर भाग रहा है, ठीक है। सो जस्ट सी दिस, इन्फिनिटी का फोकस पे फॉर्म हुआ हाईली डिमिनिश इमेज और रियल इन्वर्टेड, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे लाए, बिहाइंड 2F1 रखा है तो इमेज जो है वो बिटवीन F2 2F2 बना हुआ है, ठीक है, पैरेलल फोकस से, और ये सीधा सी वाला, ये दो याद रखो, ऑप्टिकल सेंटर वाला पैरेलल फोकस से, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं वहाँ वहाँ पर इमेज बन रहा है। मिरर में जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं वहाँ इमेज बनता है, राइट। तो ये हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा है, फिर ऑब्जेक्ट की साइज का ही है, देखो एग्जैक्टली वैसे ही है, सी वाला केस, जैसे मिरर में सी एट सी और एट सी बन रहा था वैसे यहाँ पर एट टू एफ वन रखा तो एट टू एफ टू सेम साइज का इमेज बना है, ठीक है। इसके बाद जब ये हमने बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन रखा है तो इमेज बियॉन्ड टू एफ टू चला गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज है, एनलार्ज इमेज या मैग्नीफाइड इमेज, और जब फोकस पे रखते हैं तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे काफ़ी बड़ा इमेज यहाँ पर बनता है, और इन्फिनिटी का मतलब एट सम बड़ा रेंज दूर बनेगा, 20 मीटर 50 मीटर, ठीक है, वो हिसाब से। और ये लास्ट वाला वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है, मैंने बताया था लेंस में सेम साइड में बनेगा तो वर्चुअल होता है,
मिरर में अपोजिट साइड बनेगा तो वर्चुअल रहता है। सो जस्ट सी दिस, ये केस तो एग्जैक्टली वैसे ही लग रहे हैं जैसे हमने कॉनकेव मिरर में देखा था, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज और लास्ट में फिर एनलार्ज। शुरू के पांच केस रियल इन्वर्टेड, लास्ट वाला केस वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। बाकी पोजिशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिए, रे डायग्राम हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। इसके बाद है कॉनकेव लेंस का दो केस, ये भी डाइवर्जिंग का दो केस है, मिरर में भी जो डाइवर्जिंग था उसका दो केस ही था, ठीक है। एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट है तो डाइवर्जिंग एक्शन से सेम साइड में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद जब एट एनी अदर पोजिशन, इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी कोई पोजिशन पे अगर ऑब्जेक्ट है तो भाई देखो डाइवर्जिंग एक्शन और ये ऑप्टिकल सेंटर वाला, जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रहे हैं वहां पर वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंड दैट टू डिमिनिश्ड। तो अगर कोई लेंस वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है ऑलवेज एंड ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज, सो इफ अ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, दैट लेंस हैज टू बी कॉनकेव लेंस, राइट। और कौन जो दूसरा वाला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें तो वर्चुअली बनता है लास्ट, मतलब रियल भी बनता है, तो दोनों केसेस है उसके अंदर, एनलार्ज भी है, सेम साइज का भी इमेज है, राइट। फॉर्मूलाज को अगर ध्यान से देखो तो भाई फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस, मिरर फॉर्मूला कोई हमको प्रूफ तो करना है नहीं, तो 1/f = 1/focal length = 1/v + 1/u+ रहता है इसके अंदर, याद रखो मिरर में, और लेंस वाले में बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो ध्यान रखना, मतलब m फॉर मिरर, m फॉर माइनस नहीं है यहाँ पर, राइट। और पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस कैसे निकालते हैं, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, कैसे निकलता है, फोकल लेंथ से निकल जाएगा 1/focal length, बट दैट फोकल लेंथ हैज टू बी इन मीटर, सेंटीमीटर में है तो उसको डिवाइड बाय 100 करो, मीटर में करो तब जाके इसको सॉल्व करो, ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला बता दिया है, साइन ए बाय साइन आर है, इसके अलावा C1/C2 है, इसके अलावा N2/N1 है, इसके अलावा 1/N12 है, राइट। और फिर एक और फॉर्मूला बताया N13 = N12 × N23, राइट। और उसके अलावा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H' / H है साइज ऑफ इमेज, एच है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो व्हेन इट इज लेंस, लेंस के लिए ये फॉर्मूला भी चल जाएगा, ये लेंस और मिरर दोनों के लिए फॉर्मूला चलेगा, पर v और u के टर्म्स में लेंस इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज -v/u, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर इज सॉरी मिरर वाले में माइनस है, लेंस वाले में v/u प्लस में है। तो इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, MMM याद रखो कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में मिरर वाली केस में आपको माइनस देखने को मिलता है, सो मैग्निफिकेशन H' / H' / H दोनों में चल जाएगा लेंस और मिरर में, पर v और u के टर्म्स में, u इज व्हाट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या है इमेज डिस्टेंस, राइट। तो अगर मान लो ये मिरर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा u है, दिस इज इमेज, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा v है, राइट। इसके अलावा साइन कन्वेंशन वेरी इजी, व्हाट इज दैट, जो मेन लॉजिक है याद रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अपन लेफ्ट में लेते हैं, सो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव होगा लेंस या मिरर, फोकल लेंथ वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ऑलवेज, और कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इन दैट केस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंटली याद रखो यहां पर, बाकी बेसिक तो आपको पता ही है, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, राइट लेफ्ट की तरफ माइनस, राइट की तरफ प्लस। सो आई थिंक इसके साथ अपना चैप्टर जो है वो हो रहा है समाप्त। आई होप कि आपकी ये समराइज्ड जो रिवीजन है ये अच्छे से हुआ, और इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करके बताओ, ठीक है, करते रहेंगे एंड कोशिश करते हैं इसको जल्द से जल्द हम कंप्लीट करें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।